देखो भैया की टी शर्ट पे क्या लिखा है, माई वाइफ हैज एन ऑसम हस्बैंड। वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, पर मैं आज भी मस्त नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ना अचानक से वो जैसे मौसम बदला है ना, मौसम बदलने की वजह से मैं भी बदल गई हूँ। मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बट आज मेरे को कॉलेज जाना ही है और अगर मैं मन भी नहीं है तब भी जाना पड़ेगा बिकॉज बहुत अर्जेंट काम है मेरे को। तो सीन ये हुआ कि जब मैं सुबह सो के उठी देखा अभी भी स्कूल गया हुआ है, मम्मी भी ऑफिस जा रही थी, तो मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, तो घर में कोई नहीं बचा डॉलर मफी को देखने के लिए। वैसे अकेले रह लेते हैं, दो तीन घंटे भी आराम से रहते हैं, बट अभी सुबह सुबह ना नहीं रह पाते, जैसे शाम होगी शाम को सो जाते हैं आराम से अपना, रात में थोड़ा सा रह लेंगे सो जाते हैं, बट सुबह हमने कभी इनको ऐसा अकेला छोड़ा ही नहीं आज तक और ये रहते भी नहीं है सही बताऊँ। तो फिर मेरे को विशाल की हेल्प लेनी पड़ी, तो मैंने फिर विशाल को बुलाया कि यार तू आ जा घर, मतलब 2 बजे तक तो अभी आ ही जाएगा, थोड़ी देर तू आते घर पे ही सो हो जाएगी, वैसे भी अब विशाल को तो जानते ही हैं दोनों। तो विशाल आ चुका है और ये आते ही सो गया, देख रहे हो, आते ही घुसा वहां से अंदर, आते ही घोड़े बेच के सो गया। ये सो गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा, कौन रखेगा तुम्हारा ध्यान, ये चीज है। तो ये भी सो जाएंगे, कंफर्म सो जाएंगे उसके साथ जाके। और हम ऑटो बुक हो चुका है मेरा, तो मैं भी चलती हूँ, इसको सोन दो, बाय। हाय, कॉलेज तो मैं कब की आ चुकी हूँ और बेसिकली क्या सीन है, ये है कि मेरे को ना अभी तक सेक और वेक जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होते हैं वो मेरे को अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं, लिस्ट में भी नाम नहीं आ रहे, बल्कि मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया है और आज लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की भी, और जब तक वो अलॉट नहीं होंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं होगा। थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट है यहाँ पर, बट क्या फ़ायदा उसके यूज़ करने का, वेट करो उसके लिए। अब मैम ने मेरे को बोला कि आप जाओ थर्ड फ्लोर पे जाओ 322 रूम नंबर में, वहाँ मैं आती हूँ 5 मिनट बाद, आप वेट करो मेरा, मैं यहीं बैठूँगी यार, थक गई मैं, इतना चढ़ चढ़ गए, मेरी बॉटल गई, व्हाई आई एम सो क्लमज़ी, है तो नहीं आसपास। भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो कैंटीन से मैंने लिया है डोसा, प्लेन डोसा है भैया, मेरे को प्लेन ही पसंद है और बहुत ज्यादा मस्त है, तीखा है बट मस्त है। और यहाँ पर मेरे को मेरी एक बेटी भी मिल गई, यहीं पर सोती रहती है, जब भी आऊंगी नहीं सोती रहेगी। मैं कॉलेज से फ्री हुई, मतलब मैं निकल गई थी, उसके बाद मैंने 1.5 घंटा इस इंसान के लिए वेट करा, माय गॉड लाइट भी जला ली, महंगा बजट बढ़ता जा रहा है इसका व्लॉग का, 1.5 घंटा मैं इनका वेट करा और इस 1.5 घंटे में मैंने कॉफी पी, अपना फोन चार्ज करा है क्योंकि भाई साहब चार्जर भी नहीं ला के दे रहे थे मेरे को, बहुत ड्रामे करता है, मैंने उसको फोन करके बोला कि प्लीज चार्ज ला दे, मेरा फोन बंद होने वाला है मेन वाला, तो नहीं, फिर मैंने किसी से मांगा, फिर चार्ज करा अपना फोन और अब आए हैं भाई साहब, देख रहे हो मैंने उस 1.5 घंटे में अपना काम भी शुरू कर दिया इको का, देखेगा चल देखेगा एक बार, अरे मेरे को नहीं यार तू ऐसे करता है यार विशाल, मेरे साथ पुरानी याद वापस आ जाएगा, तेरा स्कूल में हुआ था, एक बार देखो मेरी कसम, देख ले ना, देख ले, क्यों देखूं मैं, नहीं देख तू पर यार प्लीज देख, देख लिया ले, चल पढ़ा दियो ना तू मेरे को, मैं नहीं पढ़ाता, फर्रे बना के दे दूंगा, बस यही करता है, एक बार पता नहीं क्या कहता, तो स्कूल वाली मैम तो देखेंगी नहीं हमारा ब्लॉग, बताती हूँ मैं फर्रे में चीटिंग नहीं करती थी, फर्रे बना दी थी इसने, इस इंसान ने मेरे को सिखाया फर्रे बनाना, इसने मेरे को फर्रे बनाने से कहा, छोटी छोटी चिट पे लिखा था या कॉपी पेस्ट करवाया था, फोटोकॉपी आई थिंक लिखा तो, हाँ सुनो सुनो, इसने जीरो साइज फोटोकॉपी करवाई, बंदे इतनी मेहनत अगर तू लिखने में करा छोटी छोटी शीटों पे तो याद भी कर लेता होता ना, पर नहीं फर्रे बनाया और एक फर्रा मेरे को दे दिया, मेरे थोड़े सी सीट के पीछे ही बैठा था ये, मेरे से फर्रा मांगा जा रहा, आगे बैठा था मैं, आगे हाँ आगे बैठा था, मेरे से फर्रा मांगा जा रहा, मैंने फर्रा नहीं दिया और मैं वॉशरूम में गई उस फर्रे को लेके जो मेरे पास था ऑलरेडी, उसको जाके वॉशरूम बैठ के याद करा, फर्रा वहीं फेंक दिया, खुद आके लिख दिया, मेरा 5 नंबर रह गए उसके, इसके 5 नंबर मैंने ऐसे ही लगवा दिया, हटवा 5 नंबर ये क्वेश्चन था और शायद 5 नंबर से ही फेल हुआ था फेल तो बहुत अच्छे खासे मार्जिन से हुआ था। सामान इतना महंगा क्यों आता है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बहुत महंगा, लाइक एक टैबलेट है इसमें टिक्स के लिए, जैसे आप अभी ना टिक सीजन चल रहा है तो हम सोच रहे थे ले लेते हैं, ब्रेवो को और टिक फीवर हुआ था, अब दोबारा उसको पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, टिक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक टैबलेट ही 2000 रुपए की है, मेरे पास तो 2 डॉग्स हैं तो 4000 तो मेरे गए, और अब मैं लगा हाँ नॉर्मल डेज में आराम से बैठा रहता है, ज्यादा नहीं करता, अब ज्यादा हाफ रहा है, ब्रेवो का ध्यान नहीं रख रहे ना तो मेरे को दे दो, ऐशो की जिंदगी जाएगा, पिटाई मांग रही है, पिटाई मांग रहा है लगता है, तू क्या ले रहा है, अभी तो मैं नहीं ले रहा है, पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेता हूँ ना मैं, अगर वो सजेस्ट करते हैं ना ये तो मैं फिर अभी पूछ रहा हूँ,
ये पूछ रहे भैया से यार, बट वो बोलेंगे ना तुमने मेरे को दिखाया भी नहीं क्या है, फोटो भेजना, बीमारी क्या है क्या नहीं। हाँ ये भी बात है, डॉक्टर तो अपना पूरा वो ये तो लेना ही पड़ेगा। क्या कह रहे थे मेरे बेटे के लिए, तू लेने के लिए माफी के लिए ले ले ये चल फिर भी माफी के लिए मैं ले लूँ। ये कह रहा है डॉलर को ये पहना, तू पहन ले इसको, ये कितना प्यारा लग रहा है ये देखना, क्यों तेरे वाला स्टाइल ये तू पहनते ना ब्लैक शर्ट उसके साथ, ये माफी को आएगा ना। मैं ये ब्रेवो को पहना के ऐसा मैं भी आउटफिट लाके शूट करा सकता हूँ ना। हाँ ट्विनिंग कर सकते हो, बट ये माफी को आ जाएगा आराम से, माफी के साथ करवा लियो। लो जी आ गया हमारा बिना प्याज और लहसुन की नूडल। ये क्या हो गया, नूडल थे ना? नहीं मैंने फ्राइड राइस बोले थे। तो मीन गाइस इसको बोल रही हूँ कि कल ना मेरा फ्रेशर है, तो कल ना मेरे को पिक करने आ जाइयो, कहता 5 लड़कियाँ तैयार रखी, उनको बिठाऊंगा उनके साथ घूमूंगा, सबको छोड़ूंगा। सबको घर छोड़ देगा? क्यों घर छोड़ेगा, मन कर रहा है। उबर है, टैक्सी ड्राइवर है, तू मेरा ड्राइवर है, जा। तो 5 लड़की को ड्राइवर बनेगा, 4 को पीछे बैठा, एक को आगे, नहीं 3 को पीछे, एक को अपनी गोद में और एक को साइड में। ये तमीज लड़का है। मैं जा रही हूँ घर अब, क्योंकि इसने ऐसी गंदी बात करी आज। तो मैं कहाँ बैठूंगी, तो 5 लड़कियाँ बैठ जाएंगी गाड़ी में, तो डिग्गी में मेरी वैल्यू डिग्गी में रख दिया आज तूने। वो इतना रंग बहुत जल्दी रंग बदलता है लड़कियों को देख के। लड़की बाजू में? हाँ लड़की बाज है एक नंबर का। तू एक प्लेट खत्म करके दूसरी प्लेट खानी है, खाता नहीं। पूरे ब्राउन कर दिए थे, अब ये देख वाइट दे दिए। हाँ ये ढंग से पके नहीं, पकने का उसमें ज्यादा सॉस चला। सॉस ज्यादा चले गए, सॉस तो डालनी नहीं थी उसमें, लहसुन है ना इसमें, नहीं है वाली स्पाइसी वाली नहीं क्या जो ये फीका तो नहीं है। मेरे को मीडियम अच्छा लगता है, मेरे को ज्यादा तीखा भी नहीं ज्यादा फीका भी नहीं। सारी मिर्च निकाल पहले खा, जल्दी टेस्ट कर। खाता है फीका होगा यार, सही है मस्त है। आओ बताओ, दो दो प्लेट, चल खाता रहे खुश रहे। मैंने तो चखा भी नहीं है, अब खाऊंगी मैं। इतना खाने के बाद भी तू मोटा क्यों नहीं हो रहा? मेरे से भैया कौन ज्यादा सही है? मैं दिख नहीं रही आपको मोटी? नहीं मैं इतनी मोटी हूँ। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अब नाजिम के पास, आज उसका रिसेप्शन है और हम लोग को चेंज करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो हम डायरेक्ट यहीं से जा रहे हैं। फोन भी आ रहा था उसका, घर जाते तो हमें लेट हो जाता, ऐसे मेरा काला सूट एकदम रेडी था, तो फिर मैं उसमें एकदम स्टार तो ऑलरेडी ब्लैक पहन के आया है। प्लानिंग थी पहले से, कोई प्लानिंग नहीं थी भाई मेरा तो। दो तुम बहुत प्लानिंग बाज आदमी हो, मैं तुरंत चेंज होता हूँ। ये कपड़े चेंज नहीं करता, खुद ही चेंज हो जाता पूरा, जल्दी तुरंत बदल देता है रंग अपने। नहीं बेटा रंग तो बदलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। कौन एक्सपर्ट है? हमेशा से लड़कियां ही रहेंगी। लड़कियां रंग बदलती है ईशा? तो अब तुमने नो बोल दिया, गाइस वो स्टार, वो ईशा लड़की नहीं है, वो स्टार की वाइफ है। आज कल से वो लड़की मत बुलाना, वो वाइफ बुलाना उसको। वो स्टार की, स्टार की वाइफ है। मैंने एक वीडियो ही बनाई है माय वाइफ वाली। स्टार ने क्या करा, मैं विशाल खड़े थे, मेरे को आके बोलता माय वाइफ और हमें हंसना था, ये इसकी वीडियो थी। जब एडिट हो जाएगी ना तब देखना। तो भाई हम स्टार बॉय की वजह से लेट हो गए उसके रिसेप्शन पे जाने के लिए। मास्क है ही नहीं इसके पास, तुम भी मास्क, तुम भी दो मास्क लगाओ, तुम ज्यादा जल्दी पकड़ेंगे। अरे मैं फेमस, तुमने है बहुत फेमस हो, मेरे को जानते हैं लोग, मिल चुके हैं, बट यूट्यूब आता नहीं है यहाँ पे, तो ये नया बंदा है, नया फेमस बंदा। ओ माय गॉड, तुम्हें तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि तुम लड़की तो सेम ही लगते हैं सारे। हाँ अरे कपड़े देख के ना लग नहीं रहा है कि हम किसी के रिसेप्शन पे आए, सही बताऊँ लगा देंगे मैं एंट्री से। और ये है वो राठौड़ तेल करके, जहाँ पर हम पिछली बार जब शादी हम यहाँ पहुँच गए थे गलती से, और ये वलीमे की जगह थी। स्टार तो रील बना लेगा यहीं पर लाइटें देख के लाल लाल। ये भाई ये क्या सीन है, इतनी सारी शादियों की फोटो स्टार की नहीं दिख रही। स्टार पर बहुत ज्यादा ही अलग लग रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा हम लोग अच्छे लग रहे हैं, बहुत अलग लग रहे हैं। I'm not handsome, I'm beautiful. I am not handsome and he is. He is handsome? नहीं कोई भी handsome नहीं तुम में से। बहुत अलग लग रही है, वापस चलते हैं यार, बहुत अलग लग रहे हैं, सब बहुत रेडी है। चप्पल पहन के आई है, तो घर सो के उठ के आई है। या ये सो के उठ के आई है, उठ के आई है ये भी, बस ये मॉल तक होके आई है, तो खड़े होके ली थी प्रॉपर। आज हम लोग डायरेक्ट आए हैं ना, रेडी होके नहीं आए, बस ये रेडी होके आया अकेला। मजाक कर रही है वो।
अरे मजाक कर रही है। ठीक है ये भैया क्यों ये ऐसे फोटो क्यों खिंचा रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रही। स्टार बॉय भी जाने वाला सेम फोटो खिंचवाने। हम एंट्रेंस से ही अंदर नहीं जा पा रहे हैं आज। आज हम कब मिलेगा हमें स्टार की फोटो? ईशा नमस्ते कर रही है सबको। तुम्हारी कब आ रही है फोटो? ये रहा स्टार स्टार बॉय। व्लॉग्स एडिट नहीं करते टाइम से, इसकी वजह से लेट होता है। तिल का तिल कंपनी की बहुत कर रहे हैं ये। हाँ सही चल रही है। हाँ दी बहुत बढ़िया सही चल रही है ना गाड़ी। कोई दिक्कत आए तो मेरी कंपनी की बहुत कोई दिक्कत आए तो ये हमारी कंपनी है। रहा हमारा मैरिड लड़का जिसकी ना जी फोन चक्कर का हेलो कर दो ना सबको। शादी मुबारक। शुक्रिया सबसे पहले शुक्रिया आने का। हाँ देखो डायरेक्ट आ रहे हैं। एक फोटो चाहिए हमें आपके साथ। अभी रुक जा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखो नूर आ तुम्हारे चेहरे पे। नूर आ गया शादी करने के बाद। नूर आ रहा है नूर चेहरे पे। नूर आ रहा है नूर चेहरे पे। करवा दे भाई मेरी तो पक्की है भाई। मेरी तो वाइफ ये रही। हु इज शी? शी इज माय गर्ल। माय वाइफ। वाईफाई माय वाइफ। भाई साहब 3 बजे कितने बजे बोला था फोन करके और अभी आ रहा बंदा। भाई गाड़ी दिखाना है तो ऐसे दिखा दे। शो हो रहा है घड़ी का पूरा। अच्छे तो दिखा कितना महंगा होता दिखा दे। हीरे की घड़ी है दिखाओ। घड़ी दिखाओ डायमंड वाली। चमक तो रही है पर चेहरे से ज्यादा नहीं। चेहरे पे नूर है इस टाइम पे बहुत। ठीक है मिल लेना पहले सबसे। हो गया आ चल हम खिंचवा लेते पहले। तू नहीं खाएगा? बस इतना ही दे दो बस काफी है इतना। भैया बस बस हम ले लेंगे खुद। इतनी वो क्या बोलते हो उसको खातिरदारी। भैया चावल नहीं रखे आपने? भैया चावल नहीं रखे? तुम सारी ले जाओ ले लो। नहीं तुम दो लो भाई। नहीं नहीं भैया एक दो ना। चावल नहीं रखे आपने? चावल ना हमारे एक दो व्हाइट वाले। व्हाइट वाले लड़ भी लेंगे आप? नहीं नहीं व्हाइट चाहिए चावल। देखो भैया की टी शर्ट पे क्या लिखा है? माई वाइफ हैज एन ऑसम हस्बैंड। आपको इसका मतलब पता है जो लिखा है? आपकी टी शर्ट पे लिखा है इसका आपको मतलब पता है? आपकी जो टी शर्ट पे लिखा है इसका मतलब पता है? वो इसका मतलब है कि मेरी पत्नी के पास बहुत अच्छा पति है। ये इसका मतलब। शादी हो गई? हाँ पति हो गई। तुम भी स्टार तुम भी वाली टी शर्ट पहन लो। ऐसी एक टी शर्ट और मिल जाएगी इसके लिए चाहिए? नहीं मिलेगी। ये एक ही सिंगल पीस था मैंने ले लिया। भैया भी सिंगल पीस था टी शर्ट भी सिंगल। और तुम्हें लिखवाना है यहाँ पर स्टार की वाइफ टी शर्ट पे। स्टार की क्वीन। स्टार की वाइफ है भाई क्वीन नहीं है ना लड़की है ना क्वीन है वाइफ है वो बस। स्टार की मर्चेंडाइज लॉन्च कर दे माय वाइफ। इससे लिफाफा मंगवाया हमने एनवलप वो क्या बोलते हैं उसको शगुन के लिए इसे लिफाफा गिरा दिया। ये इधर उधर घूम रहा है ना तो अयाशी छा रही इधर उधर घूमने की लिफाफा गिरा दिया तो शुक्र उसे पैसे नहीं थे खाली लिफाफा था। कैसे देखो गंदा तो नहीं हो रहा फिर ठीक है। तुम्हारी वाइफ? हाँ कोई नहीं तुम्हारी वाइफ फेमस हो गई। वाइफ बहुत फेमस है भाई। अबे जाओ यार जल्दी जाओ ना लेके आओ वो तो ना विशाल। ओ माय गॉड विशाल भी फेमस है क्या? विशाल को घेर लिया गया है 10 बंदों के द्वारा हेलो कर रहे हैं। इसको जान नहीं दे रहे जो लिफाफा कैसे लाएगा ये। मैं सब वहां से आ गई एकदम कोने कोने से। विशु भाई एक फोटो। अरे विशु भाई बहुत हंस रहे। चलिए चलिए आइए आइए ऊपर। माय गॉड प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है। रेडी शादी होने के बाद प्रपोज कर रहा है। माय वाइफ कांग्रेचुलेशन भाई कांग्रेचुलेशन आपने फाइनली प्रपोज कर दिया शादी के बाद। ओ माय गॉड डायमंड फोटो खिंचाए आओ ना। ये क्या मजे ले रहे हैं भाई? ये देखो गाइस आज ये रूपा भी आई हुई है और ये सैम की छोटी साली है ये।
हाँ छोटी बहन है उसकी, अरे वाइफ की छोटी बहन। हाँ भाई देख लो यार फोटो, देख ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा बोला है, ये डेली ब्लॉगिंग के लिए दोनों पड़ा है, दोनों पड़ा है मेरे पास। जाओ तुम दोनों तो खिंचवा लो, चलो भाई चलो, वो हम हमारे में होता है, जाओ जाओ जाओ। अरे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नाम लिखवा लो, सैम के प्रिय मित्र, सैम के पापा हैं गाइस, देख लो बहन है, सैम के प्रिय मित्र। अरे यार मेरा, हमने तो पहले मंगा लिया था ना, तो दुकानें बंद हो गई, मैं चार को बोलता गया था, हम तो पैसे लेने गए थे नीचे गाड़ी में रखे थे कैश, कितने लिफाफे थे? वन। तो यार हम जाते हम भी डाल देते, एक लिफाफे में इतना सारा, ये स्कैम है स्कैम। क्या नाम लिखा है? आकाश की मम्मी, आकाश की मम्मी, कंटेंट के लिए करा तुमने ये सब कुछ, शक्ल देख के नहीं लग रहा तुम्हारे, इसने भी मेरी कंपनी की हाई वॉच पहनी है, मतलब तुम्हारे भी ऐसे तुम हाई वॉच पहन रहे हो, हाई वॉच की जगह, अरे इट्स एन हाई वॉच, हाई वॉच नॉट, हाँ वो थोड़ी सी ऑन हो जाती है यार, देख यार हाई वॉच है यार, मेरी रही भाई, लो भाई मेरी ऑन नहीं होती, देखो ये मेरी ऑन नहीं होती, मैं करके दिखाता हूँ, ये भी हाई वॉच है, ये नहीं हो रही थोड़ी सी, यार तुम्हारी ये भी हाई वॉच है भाई, ये देखो ये मैं बता रही हूँ, ये किसी भी एंगल से ना एप्पल वॉच हो सकती है, ये एप्पल वॉच नहीं है, ये हाई वॉच ही मेरी कंपनी की गाड़ी है। अरे अंकल बैठे होंगे, नाजिम को तो देव मत, नैन्सी के साथ जाना, नैन्सी के साथ, ये तुम्हारी आवाज ना अरुण जैसी लगती है, उए 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 बोलना कुछ, हेलो गाइस, अरुण जैसी आवाज नहीं थोड़ी इसकी है, अर्जुन की तो और भारी है, ये नहीं कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे हाई बोल दे भाई, वो उसने खाना भी खा लिया है, हेलो चलो स्टार जल्दी चलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो खड़ी हुई तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, अंडर बुला रहा है, हाँ यार कॉलेज गर्ल, हैप्पी मैरिड लाइफ भाई, बहुत बहुत बधाई, देखो एंड ऐसे ही भाभी का ध्यान रखियो, आज को ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है आज, सैम को ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है आज भाई, बुरा लग रहा है मुझे, तेरी शादी हो गई, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैसेज किया था सिंगल हटा दे अब, इसे सिंगल लिखा हुआ था यार मेरे बायो में, हटा दिया सिंगल, सिंगल हटा दिया ना, मैरिड 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 लाइफ, मेरे को बोला रात को मैसेज करके कि सिंगल हटा दो, मैंने ठीक है, अब तो बाहर नहीं आओगे, नहीं क्यों नहीं ले जाऊंगा यार, अरे बाहर ऑन वॉइस वीडियो बनाता है, ऑन कंटेंट क्रिएटर, ऑन वॉइस क्रिएटर, शादी बट्टी करेगा, बट्टी करूंगा, ऐसे फायदा नहीं, खर्चा हो जाएगा, इसकी शादी अगले महीने करवाएगा, कौन किससे किससे शुरू, अभी इसकी करवाओ ना, और बगल सीधी दे दो, वो नहीं भाई प्यार है मेरा, ओ माय गॉड, अभी तक बोल रहे गर्लफ्रेंड है मेरी थोड़ी देर पहले, और इधर 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 शादी कर रहे हो, बताओ शादी भाई, शादी कब हो गई, कुछ कह रहे हैं कुछ, मैं कौन क्या मैटर मैटर क्या हुआ, तेज की बोल चिल्ला के बोल, खाना खाना आता झाड़ू मार दे भाई मेरे यहाँ पर, भाई ले देखियो तो भाई अभी किसी का फोन भी कट गया, किसी के मतलब सही बात है, लेकिन भाई ले लो, क्या बात होगी भाई, जाओ नीचे जाओ नीचे, इसको पकड़ के क्या करूंगा, मतलब ले लो भाई नीचे, छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है खाना खाने को ज्यादा क्या मतलब, भाई 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 खाने में भाई जाओ, मैं झाड़ू मार दूंगा, अरे नीचे खाना भिजवा देंगे, चले जाओ खा वहां बैठ के, हां खाना सीधा अपने नीचे चला जाइए, ठीक है उस तरफ खाना दे रहा कर वो लड़का, ना बात मत काट लड़का भाई, इसी से होगी शादी, किससे होगी, मारो मारो मारो, पक्का ना चले सबकी शादी फिक्स करा दी नाजिम ने, अब चले आपकी भी करवाएंगे, नहीं मेरी नहीं हो रही, ये शादी नहीं करेंगे, मैं देखा देखी वो भी सीख गया, कहता दीदी से उतरी हो बाबू मोच नहीं आनी चाहिए तेरे को, तुम्हें देखा देखी बोल रहा है, सॉरी बाबू बाबू एक काम कर गोदी में उठा लो मेरे को बाबू, कह रहे बाबू मैं रैप्टा मारूंगा, भागदा भागदा फटाफट पहन के भी चल लेती हूँ यार, अच्छा या ब्रो कहाँ जा रहे, गाड़ी कैसे आ गई यहाँ तक, कुछ आ गई आज आयुष लाई गाड़ी, अरे मैं चलाई तो फिर तुम पहुँच नहीं पाओगे, वही तो नहीं करना, वही तो करना, घर नहीं पहुँच, घर पहुँचना ही नहीं, कहीं ऐसी दुनिया में ले चलो, ये मेरे को आता है, ये पूरा आता है, मैंने सीख लिया, करो 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 करो,
नहीं पहले ये है सारे। देखो हमारे साथ एक ब्यूटीफुल क्वीन है काली साड़ी में। गाड़ी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हमारी। बिल्कुल यार पन्नी पीछे रख लेना ऊपर बिठाऊंगा। बेचारा बैठ नहीं पा रहा। ओह माय गॉड करना पड़ेगा थोड़ा उधर हो ना पीछे करो 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 यार पीछे इससे कर लेना। अरे हाँ माँ लग जाती अभी बच गई वो बच गई। अरे भाई कैसे बैठे हुए तुम्हारे पैर सुना घर तक नहीं नहीं मैं पैर के बीचों बीच बिठाया इसको बीच ये होता ना और स्पेस बन जाएगा। तुझे बाइक भी उठाई ना स्टार तुम पता नहीं पहुंचोगे से एक घंटे का सफर है। एक घंटा नहीं 23 मिनट का सफर है। चलो सही है कुछ तो मिनट कम है। चलो भाई अब चलते हैं हम लोग घर। 23 मिनट का सफर है। हाँ बस पास ही है। इतना लकी हो गया यार विशाल। तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को ड्राइवर बना पड़ा आगे कोई नहीं। तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को बिठा के घूम रहा है। आगे तुम्हारे साथ ना इनविजिबल लड़की भी बैठी है। इसकी एक्स ही है ना अच्छी इसकी एक्स। ये इतना खुश हो गया ना इतना खुश पूछो मत। ये देखो देखो चलो इसको नीचे ले जा। वो करना है इसको छोटी करना है। तुम्हारा कच्चा ले घूम रहा है। नहीं डॉग